रविवार को सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे जिला फुटबॉल लीग का फाइनल मैच गौतम स्पोर्टिंग और पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के बीच खेला गया। फाइनल मैच में पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय ने गौतम स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर जिला फुटबॉल लीग की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। विजेता टीम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ अजय कुमार सिंह ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रमुख यांत्रिक इंजीनियर और अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ अजय कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला अफजाई किया। अन्य अतिथियों में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे, समाजसेवी राजेश सिंह और उपेंद्र त्रिपाठी सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। खेल शुरू होने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान जिला फुटबॉल लीग का दर्शकों ने भी खूब लुत्फ उठाया और अपने टीम का जमकर समर्थन किया। फुटबॉल लीग के संयोजक मोहम्मद हमजा खान, सहयोगी कुर्बान अली और एनपी गौड़ और कुशल निर्णायकों में ओपी गौड़, शिव कुमार श्रीवास्तव, फखरुद्दीन नसीम, संजय साहनी, रतन सिंह, गोपाल प्रसाद और मेहताब अहमद के नेतृत्व में जिला फुटबॉल लीग को सकुशल सम्पन्न कराया गया। जाने जाते हैं अजय सिंह साहब हाथ मिला रहे हैं गौतम स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ियों, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के नरसा के प्रेसिडेंट श्री अजय कुमार साहब चले चले हर एक खिलाड़ी से हाथ मिलाते हुए फख्र होगा खिलाड़ियों को कि हाँ हमने अजय सिंह साहब से हाथ मिलाया है। एक ऐसा आदमी जो धरती को सुनसान धरती को सुनहरी धरतियों में बदलने वाला इंसान है। हमारी ये सीएमई है, हमारी ये जो है चीफ मैकेनिकल इंजीनियर साहब है, आज तक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं आया। पूर्वोत्तर रेलवे अपनी टीम से हाथ मिला रहे हैं इस वक्त हमारे अतिथि, दिल की गहराइयों से सभी लोग उनका तालियां बजाइए गौतम वाले लोग प्लीज। पीक लगाई और इस तरह से दाहिनी तरफ दक्षिणी छोर पर लाल रंग की जर्सी, मैच शुरू होने वाला है। लीग का फाइनल मैच आपके सामने खेला जाने वाला है और हमारी ये मैच प्रारंभ बहुत ही अच्छा मैच हुआ और हमारी रेलवे की टीम जीती तो
संभाले गए मुझे अच्छा लगा है। बट गौतम ये जो 14 की टीम है रेड जर्सी में, इन्होंने भी बहुत अच्छा खेल खेला है। बच्चे अभी की उम्र कम है तो स्वाभाविक रूप से इनको थोड़ा डिसएडवांटेज था, बट आगे ये चल के बहुत स्केल में प्रगति करेंगे और भारतवर्ष का नाम और गोरखपुर का नाम ऊंचा करेंगे, ऐसा मेरी इच्छा है। और ये जो गोल फुटबॉल आपको दिखता है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इस ब्रह्मांड का ये गोल जो ये पृथ्वी पे आप दौड़ रहे हैं ये भी गोल है, जो सूरज ऊपर है चांद है सब गोल है। और ये हमारे एक जो अच्छे से एक आजकल स्पिरिचुअल गुरु हैं सदगुरु महाराज, उनका भी कहना है कि हिंदुस्तान को इसी टाइप के बॉल्स की ज़्यादा ज़रूरत है और इससे खेल खेलेंगे तो युवा की जो शक्ति है वो सार्थक रूप में चैनलाइज होगी, ना कि इधर उधर मेटल गश्ती करके और निगेटिव कार्रवाई जो आजकल सोसाइटी में होती है। तो आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि आप लोग को इस खेल में इंटरेस्ट है और आपका स्वास्थ्य इसी वजह से आप दौड़ेंगे तो आपके फेफड़े मजबूत होंगे और स्वाभाविक प्राणायाम आप करेंगे और आपका खून शुद्ध होगा और विचार शुद्ध रहेंगे।